सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। व्हाट डू यू मीन बाय द बोयेंसी? बोयेंसी से आप क्या समझते हैं? तो बोयेंसी क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। अगर कोई एक लिक्विड है और उस लिक्विड में हम किसी बॉडी को सबमर्ज करते हैं, यानी उसको डुबोते हैं किसी लिक्विड के अंदर, किसी बॉडी को सबमर्ज करते हैं, तो लिक्विड जो है एक फोर्स लगाता है। क्या करता है? एक फोर्स लगाता है उस बॉडी पर ऊपर की ओर। हम उस पर नीचे की ओर फोर्स लगा रहे हैं या बॉडी का जो वेट है वो नीचे की ओर फोर्स लगाता है, बट लिक्विड खुद से उसका फोर्स लगाता है ऊपर की ओर। तो यही प्रॉपर्टी जो होती है लिक्विड के अंदर, इसको हम कहते हैं बॉयंसी। और ये जो फोर्स लगा उसको हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स, अभी इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि बॉयंट फोर्स क्या होता है। तो किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट करते हैं। द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाई द लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्ज, उस ऑब्जेक्ट पर जो कि उसमें डुबोया गया, इमर्ज किया गया, इन इट इज नोन एज बॉयंसी। ठीक है, तो किसी अगर ऑब्जेक्ट को हम डुबोते हैं तो लिक्विड उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, वो चाहेगा कि वो ऊपर तैरता रहे, तो इसी को हम कहते हैं बॉयंसी। और ये जो फोर्स लिक्विड ने लगाया वो कहलाता है बॉयंट फोर्स। नाउ व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक? क्यों एक ऑब्जेक्ट जो है किसी लिक्विड में तैरता रहता है और क्यों कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डूब जाता है?